बटन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र। कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में अब तक टोटल 5 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर है मेरठ से कोरोना को लेकर। मेरठ में 5 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए। दरअसल कल हमने अपडेट दिया था कि कल एक खुर्जा का एक व्यक्ति जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, उसका रिपोर्ट कोरोना में पॉजिटिव आया था। इसके बाद तुरंत उसके जो परिजन थे उनकी जांच की गई, तो इसमें उसकी जो पत्नी है, जो खुर्जे वाला आदमी था जिसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कोरोना की, उसकी पत्नी की जांच की गई तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव आया। वहीं उसके 3 सालों की भी जांच की गई तो उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आया गया। तो कुल मिलाकर इस वक्त की मेरठ की बड़ी खबर यह है कि कोरोना के अब तक टोटल 5 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र से सीधा मेरठ आ गया, वो रहने वाला खुर्जा का था, लेकिन मेरठ आ गया, मेरठ आकर उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, जहां उसकी जांच की गई तो उसको कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके चलते मेडिकल टीम ने, स्वास्थ्य विभाग ने उसके जो खास लोग थे, इसमें पत्नी और उसके 3 साले शामिल हैं, उनका मेडिकल चेकअप किया गया स्वास्थ्य विभाग ने, तो उन चारों को भी कोरोना का पॉजिटिव आया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की मेरठ की बड़ी खबर यह है कि मेरठ में अब तक कोरोना के 5 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव 5 मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, डीएम अनिल ढींगरा ने आदेश दिया कि 30 मार्च तक शास्त्री नगर सेक्टर 13 हुमायूं नगर और सराय बहरीन सोराब गेट के 1 किलोमीटर एरिया को किया गया सील, अस्थायी रूप से किया गया। इलाके को सील 30 मार्च तक इन इलाकों में ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। कल जो एक पॉजिटिव आया था, आज उसके घर में से हमने 4 आदमियों को कल ही एडमिट करा दिया था जो उसके क्लोज थे, उसकी वाइफ थी, 3 साले थे। उसके अलावा वो 3 घर हैं उसके ससुराल के, वो 3 घरों में आज सैनिटाइजेशन कराया है नगर निगम से भी और अपनी जिला मलेरिया अधिकारी की टीम से। इसके अलावा जहाँ वो मस्जिद में दो जगह गया है, वो उस मस्जिद में भी सैनिटाइजेशन करा दिया गया है। इसके 50 कॉन्टैक्ट्स को हमने ढूंढ लिया है, उन 50 कॉन्टैक्ट्स में से हमने उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया है और कल उनका भी टेस्ट करा लेंगे। सर लगभग कितने लोगों की चेन है ये, जिन अभी चेन देखिए कितनी लंबी निकलती है, हम इसमें लगातार उसको ढूंढते रहेंगे, क्योंकि ये सुना है बीच में शादी में भी गया है, उस शादी में भी काफ़ी लोगों ने शिरकत की है, तो शादी की भी लिस्ट लेने की कोशिश करेंगे। टोटल कितने हो गए आपका क्या कोरोना वायरस का टेस्ट? नहीं, टोटल केस कितने हुआ? 5। सर जहाँ तक आपने बात की है इसके रहने की, जहाँ का रहन सहन था, उसके कितने एरिया में ये फैलने का खतरा है? उसके 3 किलोमीटर के अंतर्गत हम एक्टिव केस सर्च करने जा रहे हैं, कल से वो शुरू हो जाएगी 9 बजे से, जितने भी उसमें सिम्टोमेटिक होंगे हम सब उनका भी टेस्ट करा।